अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल में। और आज की वीडियो भी जो है बहुत ज़बरदस्त है, शुरू से लेकर आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है। इसमें बहुत ज़बरदस्त से हैक्स और टिप्स मैंने जो है शेयर किए हैं, जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाएंगे। तो चलते हैं अपने आज की जो हैक नंबर है उसकी 1 की तरफ। तो उससे पहले जो है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारा आज का जो हैक नंबर 1 है वो एक पिलो कवर से रिलेटेड है कि हमारे घरों में बहुत सारी बेडशीट जैसे होती हैं जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, और चूँकि पिलो कवर्स होते हैं ना वो हमारे पास बचे हुए होते हैं, तो आपने इन पिलो कवर्स को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आज मैं आपको ज़बरदस्त साइज़ के साथ एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। लॉन्ड्री बास्केट कह लें, ऑर्गेनाइज़र कह लें, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एक हैंगर आपने जस्ट ले लेना है और पिलो के अंदर इस तरीके से ये जो स्टिच वाला पार्ट होता है ना उसके अंदर आपने इस तरीके से इसकी दोनों जो हिस्सा है ना उसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी लॉन्ड्री बास्केट कह लें, बच्चों के टॉय इसमें आप रख सकते हो, या कुछ भी किचन में इसको हैंग करके शॉपर्स वगैरह इसमें रख सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको अपनी कबर्ड के साथ हैंग किया है, जो इसमें मैं अब कपड़े होते हैं ना वॉश करने वाले वो इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी जो लॉन्ड्री बास्केट का ख़र्चा जो है ना वो बच जाएगा। तो हैक 2 जो है हमारा वो इस तरीके से झाड़ू को लेकर है कि एक तो जब भी आप नया झाड़ू लेकर आएँ सबसे पहले तो आप उसके ऊपर कोई पुराना ब्रश, हेयर ब्रश या बर्तन कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना वो मार लें। उससे ये होगा कि नए झाड़ू के अंदर जो तिनके और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो निकल जाएंगे। अगर वो ना निकले ना तो नए झाड़ू के तिनके जगह जगह बिखरे रहते हैं या छोटे छोटे इसके अंदर से बूर टाइप एक चीज़ निकलती रहती है। तो आपने हमेशा नए झाड़ू के ऊपर पहले कपड़े धोने वाला ब्रश जो है वो हल्का सा फेर लेना है। तो यहाँ पर यूज्ड झाड़ू के ऊपर मैं सेफ्टी पिन जो है इसलिए कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो बाल वगैरह फंसे हुए हैं जिसकी वजह से झाड़ू फिर सही तरीके से लगता नहीं है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अगर आप सेफ्टी पिन नहीं यूज़ करना चाहते तो अगेन जो है आपके पास अगर पुराना कंघा है या कपड़े धोने वाला जो ब्रश है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस झाड़ू के अंदर से सारी डस्ट वगैरह जो भी बाल वगैरह थे या छोटे छोटे इसके अपने ही पार्ट्स थे वो सारे ईजीली निकल जाएंगे और आपका झाड़ू जो है बहुत अच्छी सी सफाई करेगा। तो हमारी जो आज की हैक नंबर 3 है वो मसाला जार, ये जो होते हैं मिनी ग्राइंडर और चॉपर के जो छोटे छोटे ये वाले होते हैं मिनी चॉपर्स, इनके जो है ना अंदर एक मसालों की ना अजीब सी स्मेल आ जाती है। इसको जितना भी वॉश करो ना तो वो छान जो होती है ना वो नहीं जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना 3 से 4 जो माचिस की तीलियाँ होती हैं ना हम उनको जला कर जो है वो अपने इस जार में रखेंगे एकदम से बुझा कर ना, जो इसका स्मोक होता है ना तीलियों का ये आपकी सारी बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको आप 10 सेकंड के लिए अंदर ही रहने दें, ठीक है। और जब आप इसको खोलेंगे ना तो आपकी जो स्मेल है ना जो मसालों वगैरह की होती है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक जो है स्मेल क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। तो हमारा अगला हैक जो है दोस्तों साबुन के रैपर को लेकर है। ऐसा होता है कि अक्सर नमी वाले दिनों में, बरसात वाले दिनों में हमारी ना जो कबर्ड्स होती हैं उसके अंदर से ना अजीब से सेल टाइप जो होती है ना नमी की स्मेल आ जाती है। तो उसके लिए आपने ये करना है, या अगर आपके ट्रैवलिंग बैग्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी स्मेल आ जाती है, संभालें उनको रखें जितना मर्ज़ी, लेकिन जब आप उनको यूज़ करने के लिए निकालते हैं ना तो उनमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ पर ये रैपर जो है मैंने अपनी कबर्ड में रख दिया है, इससे ये है कि जब भी मैं कबर्ड खोलूँगी तो बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस जो है वो सोप के रैपर की आएगी। आप इसको अपने गर्मी सर्दियों के कपड़े जब संभालते हैं जिस कबर्ड में भी रखते हैं उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। तो हमारा आज का अगला हैक जो है इस तरीके से धनिए को लेकर है।
कि यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊँगी कि जब मैं धनिया किसी भी स्टोर करती हूँ किसी भी बॉक्स में, तो मैं सबसे पहले नीचे एक अखबार बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर अपना जो है धनिया रख देती हूँ, और उसके ऊपर अगेन जो है मैं एक अखबार का या पेपर कुछ जो भी है आपके पास वो रख देती हूँ। इससे आपके धनिया जो है ना वो काफ़ी लंबे अरसे तक फ्रेश रहता है, अदरवाइज़ आपको पता है 1 से 2 दिन में धनिया ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।